भिवाड़ी में 11 मई को हुए पुलवक थाने में वकीलों और पुलिस का विवाद प्रदेश के गृह मंत्री तक पहुंचने के बाद आईजी हेमंत प्रियदर्शी जांच करने भिवाड़ी थाने पहुंचे। इस दौरान भिवाड़ी के वकीलों का दल भी भिवाड़ी पहुंचा और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज और सस्पेंड करने की बात कही। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 25 तारीख को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के वकील भिवाड़ी में उग्र प्रदर्शन करेंगे। मामला भिवाड़ी फुलबाग थाने का है, जहां 11 मई को रेवाड़ी से आए एक वकील से अभद्रता किए जाने का पुलिस पर आरोप है। वकील अपने मुवक्किल केशव से मिलने थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस कर्मियों से विवाद होने के चलते वकील को 151 में बंद कर दिया गया था। यह खबर जब रेवाड़ी के अन्य वकीलों को पता चली तो रेवाड़ी के 4 और वकील फुलबाग थाने पहुंचे और हंगामा किया। इस पर पुलिस ने इन्हें भी 151 में शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद लगातार रेवाड़ी के वकीलों ने फुलबाग थाना पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 4 लोगों को सस्पेंड करने और इनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करते हुए अलवर SP और गृह मंत्री से भी मुलाकात की। इस मामले में IG को जांच के लिए गृह मंत्री ने भेजा है। आज भिवाड़ी पहुंच उन्होंने मामले की जांच की और वकीलों से भी मिले। आपको पता ही है सारे इंसिडेंट का, स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से हम लोग लग रहे हैं, एक गरीब आदमी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक आदमी को 5-6 दिन से बिना किसी FIR के बैठा रखा है। एक वकील साहब उसके FIR को पिटाने जाते हैं, उनको पीटा जाता है, कच्चे बनियान में उनको बिठाया जाता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं, हमारे साथ बुकिंग जी की जाती है। हमें जब कहीं न्याय कहीं भी नहीं मिला तो हम गृह मंत्री से जाके मिले हैं। उसके बाद गृह मंत्री जी ने इनको भेजा इंक्वायरी, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, जिन्होंने गलत किया इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इनको निलंबित किया जाए। ऐसे तो 6-7 जने हैं, लेकिन हम भाई नेम जो है 4 आदमियों को जानते हैं। एक तो कैलाश चंद जी मीणा है, एक राकेश कुमार है, एक महेंद्र कुमार जी है और एक सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ शर्मा हमारी आर पार की लड़ाई के मूड में हम 25 तारीख को हम अलवर में जिसमें पूरे पंजाब, हरियाणा और पूरा राजस्थान सब जगह से वकील आएंगे और आगे की भविष्य की रणनीति वहीं बैठ कर तैयार की जाएगी। हमारे कुछ मेंबर बार काउंसिल हैं जो चीफ जस्टिस से हमारे वहाँ मिले थे, क्योंकि हमारे पंजाब हरियाणा से भी कुछ जजेस गए हैं राजस्थान हाई कोर्ट में, तो उन्होंने उनसे बात की है, वो भी अपने लेवल पे बात करें। बहुत से चैनल हैं, हम BCI से भी जाके मिले हैं, माननीय भूपेंद्र यादव जी राज्यसभा सांसद उनसे भी मिले हैं, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी पिटीशन फाइल कर रहे हैं, हम सब एंगल से लग रहे हैं, हमारी टीम में अलग अलग जगह लग रही है। जिस दिन ये घटना हुई थी उससे नेक्स्ट डे शनिवार इतवार की छुट्टी थी, उसी दिन से लगातार स्ट्राइक चल रही है और जब तक ये मामला नहीं सुलझेगा, जब तक दोषी पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ये लोग जेल नहीं जाएंगे तब तक। देखिए, ये परिवाद माननीय गृह मंत्री महोदय राजस्थान सरकार को प्राप्त हुआ था और उनके निर्देश पर मैं जांच के लिए आज भिवाड़ी आया हूँ। जो भी संबंधित गवाह हैं उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जो भी इससे संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज होंगे उनका भी अध्ययन किया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया के बाद विश्लेषण करके मैं अपनी रिपोर्ट माननीय महानिदेशक महोदय को दूंगा।